आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसने बेजुबान पंछी और बेजुबान जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की। उसका दिल हमेशा धड़कता है बेजुबान जानवरों के लिए। ये कोई खबर नहीं है, बल्कि आप इसे देखकर प्रेरणा लें कि कहीं पर भी अगर पानी के पात्र टंगे हुए हैं तो ऐसा ना करें कि फोटो खींचे, पात्र टांगे, एक दिन पानी डाले और फिर आप रह जाएं, फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल के लाइक और कमेंट्स पाएं। ये नहीं, बल्कि आप अपनी दिनचर्या में इस चीज को शामिल करें। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट बेगमगंज में, धड़कता है भरत सिंह का बेजुबान जानवरों के लिए दिल। बेगमगंज से शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देखिए, बेजुबान जानवरों के लिए धड़कता है भरत जी का दिल। भीषण गर्मी के मौसम में बेजुबान असहाय पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पानी से मर जाते हैं और बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने बेजुबान पशुओं के लिए प्यार दिखता है और वह उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। ऐसे ही नगर में एक युवा की कड़ी मेहनत से बेजुबान जानवरों के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था की गई है। ऐसी भीषण गर्मी में नगर के एक युवा सड़क किनारे बनी बेकार पड़ी पानी की टंकी, जिसमें बहुत कचरा और गंदगी फैली हुई थी, तो यह देखकर उस युवा का दिल धड़का और बेजुबान जानवरों को पानी पिलाने के लिए भरत सिंह अकेला ही चल पड़ा और पानी की होद टंकी की सफाई करने लगा। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया। नगर के फर्शी रोड पर भरत सिंह ठाकुर बेजुबान पशुओं को, पंछियों को पीने के लिए पानी के भटकते देख भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए एक पुरानी पानी की टंकी को साफ करने पहुंच गए। जब पानी की टंकी सफाई करते देख वहां के आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो दो हुए, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और दर्जनों युवा सहयोग करने के लिए पहुंच गए और टंकी की अच्छी सफाई कर उसे रोज साफ स्वच्छ शीतल जल से भरने का कार्य कर रहे हैं ताकि कोई भी जानवर बिना पानी के ना रहे और पानी की कमी से उसकी मौत ना रहे। वैसे तो वन विभाग ने गर्मी में लोगों को पानी पीने के लिए मटके रखे हुए हैं ताकि लोग भीषण गर्मी में शीतल जल मिल सके। वहीं तहसील कार्यालय में बेजुबान पंछियों को जलपात्र कुछ वर्ष पहले पेड़ों पर अन्य स्थानों पर टांगे गए थे, जिस दिन टांगे थे उसी दिन पानी भरा था। उसके बाद दोबारा किसी को याद नहीं रहा कि पंछियों को पानी पिलाना है। इस वीडियो का उद्देश्य ख्वाति प्राप्त करना नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देना है, क्योंकि लोग पेड़ों पर पंछियों को जलपात्र तो टांग देते हैं और फेसबुक पर फोटो खिंचवाकर व्हाट्सएप पर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ खुद को फेमस करते हैं, मगर उसमें जलपात्र में दोबारा पानी कभी कोई दोबारा नहीं डालता। हमें पशुओं की प्यास बुझाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आसपास उपलब्ध साधनों से ही फेर बदल कर थोड़ी सी मेहनत से अन्य समय का सदुपयोग कर बेजुबान पशु पक्षियों की प्यास बुझाकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं और बेजुबान पशु पक्षियों की जान बचा सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट शरद शर्मा की। सूर्या की डीपी से शुरू हुआ आग का तांडव जो धीरे धीरे 200 एकड़ तक फैल गया, जिसकी चपेट में 5 गांव एवं 70 एकड़ की खड़ी फसल आ गई। आग की लपटें इतनी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी कि 5 दमकलों के बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। हमारे संवाददाता रजत शर्मा की गुरु पिपरिया से रिपोर्ट। डीपी में आग लगने से 200 एकड़ में फैली आग, करीब 70 एकड़ की फसल हुई बर्बाद। ग्राम जोगिया के खेत में रखा हुआ ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होने से आग खेत में फैल गई और देखते ही देखते इतनी तेजी से बढ़ी कि लगभग 200 एकड़ जमीन में आग फैल चुकी थी। वहां के आसपास के 5 गांव जोगिया, रामपुर, पौड़ी, चपत, उड़ाना, गुरु पिपरिया आदि अन्य गांव चपेट में आ गए और आग में भयंकर रूप धारण कर फसलों को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे कई किसानों की 70 एकड़ खड़ी फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग की चपेट में आने से कई जानवर भी घायल हुए। भयंकर आग को किसान को लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। 5 दमकल की मौके पर पहुंची गाड़ियां, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुरु पिपरिया से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। जुगिया से डीपी से। अच्छा, इसमें कोई नुकसान जानवर वगैरह? 40-50 एकड़ गेहूं बस खराब माना जल गई है, जानवर जनहानि कोई नहीं है। कितने बजे लगी थी ये? लगी है वही 3 बजे।
मालम जब आग लगी थी, जब हम होते हुए गाना दूसरे गांव के हैं, दूसरे गांव हम गए थे आगे देख हुए, पुलिस भी रही वहां पर और हम गए तो हमने आने जुगिया बेलखेरी वो चपोत वो फिर पेपरिया आ गई। कोई नुकसान तो नहीं भाव? अरे बहुत ज्यादा गेहूँ बोझे आने लाख खड़ी लगी रही वो बर गई। आदमी को नुकसान तो नहीं हुआ? अरे मुझको नुकसान भाव है फसल। जानवर जानवर तो आने उतने ज्यादा नहीं, आने जानवर आने ढील दे गए थे।